आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उत्तराखंड के हरबर्टपुर मिलन पैलेस से चुनाव की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आज भाजपा की इस जिला कार्य समिति की बैठक में मुख्य अतिथि श्री अजय, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, विकासनगर विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान, देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान के अलावा सभी जिला कार्य समिति पदाधिकारियों ने आज जिला कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत ने कहा कि भाजपा अपने 4 साल के कामों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उत्तराखंड के अंदर चारों धामों को जोड़ने वाली 63,000 करोड़ की सड़क योजना का, जो उत्तराखंड के चारों धामों को आपस में जोड़ेगी, भव्य राम मंदिर सब बनने जा रहा है, ये मोदी जी की देन है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, छोटे किसान को सम्मान निधि, जनधन योजना, आयुष्मान कार्ड, कोरोना काल में गरीबों के लिए फ्री राशन, यह सब भाजपा के जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आज आम जनता तक पहुंच रही हैं। इसी को लेकर भाजपा अपने अपने राज्य में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को जनता के बीच लाएगी और चुनाव जीतने में कामयाब होगी। समिति की बैठक भी है, आगामी चुनाव भी हैं, क्या क्या रणनीतियाँ चल रही हैं आपकी? पूरे प्रदेश में इस समय जिले की कार्य समितियाँ हो रही हैं। पहले चिंतन बैठक हुई थी और उस बैठक के हिसाब से फिर तय किया था कि जिला बैठकें की जाएँ, फिर उसके बाद आगे मंडल बैठकें शुरू की जाएंगी 1 तारीख से। तो इन बैठकों में मंडलों का बैठकों की तारीख तय की जाएगी और मंडलों में रखने वाले प्रस्ताव बताए जाएंगे। सब मिला करके चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए कैसे हम चुनाव को जीत सकते हैं, इसकी योजना रचना बनाई जाएगी। अच्छा ये बताएं सर कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी जो है कदम रख रही है, क्या लगता है आपको? इस कदम कोई रखे, ये देवभूमि है, किसी का हर से स्वागत है, लेकिन जब देवभूमि के लोग स्वीकार करेंगे तब तो यहाँ राष्ट्रीय दल को स्वीकार करते हैं, बाकी को नहीं करते। अच्छा ये भी निकल के आ रहा है कि भाजपा ने जो है इन 4 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, जनता के बीच क्या लेके जाएंगे आप? अच्छी बात है, योग्य लोग हैं भाजपा में। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं वो अपने 10 में से 1 चुन के दिखा देना नेता प्रतिपक्ष, जिस दिन चुन देंगे उस दिन 2 फाड़ हो जाएंगे। हम 57 में से 3 मुख्यमंत्री बना दिए, हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का वो नहीं। जनता को काम चाहिए, जनता को विकास चाहिए, वो हम सब करते हैं। क्या मुद्दे लेके जाएंगे इस बार जनता के बीच? सारे मुद्दे जो हमने काम किए हैं उसको लेके जाएंगे, विकास का मुद्दा लेके जाएंगे। जी थैंक यू।